वेलकम दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं 21 दिसंबर को भारत में डंकी मूवी आई थी और डंकी मूवी ने एक दिन में लगभग 35 करोड़ रुपए का व्यापार किया था। और उसके अगले दिन ही रिवेल स्टार प्रभास की मूवी आई थी जिसने पहले दिन ही 130 करोड़ का बिजनेस किया था। जबकि भारत में सुपर स्टार शाहरुख खान है, हालांकि प्रभास जो कि सुपरस्टार तो हैं लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग साउथ में ज़्यादा है। लेकिन जब से उन्होंने एक बहुत बड़ी मूवी जिसका नाम है बाहुबली की थी, तब से उनकी फैन फॉलोइंग पूरे भारत में बढ़ गई है। लेकिन देखा जाए तो शाहरुख और प्रभास में शाहरुख खान ही बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन शाहरुख की फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि प्रभास की मूवी सालार ने 130 करोड़ का बिजनेस किया। जमीन आसमान का अंतर है दोनों ही मूवी के बिजनेस। हम कह सकते हैं कि खान प्रभास से गए हैं, क्या आप इस बात को मानेंगे? लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, शाहरुख शाहरुख हैं और प्रभास प्रभास हैं। वैसे देखा जाए तो प्रभास की सालार बहुत ही अच्छी मूवी है। जब पिक्चर शुरू होती है तो उसके पिक्चराइजेशन और उसके डायरेक्शन से पूरी मूवी बहुत अच्छी लगती है और पूरी मूवी में देखने वाले दर्शक एक मिनट भी बोर नहीं होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम बात करें डंकी मूवी की, तो डंकी मूवी भले ही राजकुमार हिरानी की मूवी है, हम जानते हैं राजकुमार हिरानी ने 3 इडियट, मुन्ना भाई MBBS जैसी मूवी दी है, लेकिन डंकी मूवी में राजकुमार हिरानी ने कुछ कमी छोड़ दी है, क्योंकि यह मूवी देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी ज़्यादा इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि, और आप भी जानते हैं कि डंकी मूवी की अपेक्षा सालार मूवी बहुत अच्छी है। सालार मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस मूवी को इतने अच्छे से पिक्चराइज किया है, इसका डायरेक्शन इतना अच्छा किया है कि देखने वाले दर्शक बोर नहीं होते हैं, जबकि डंकी मूवी देखने में दर्शक बोर होने लगते हैं। हम आपको बताते हैं कि भारत की मीडिया ने जब शाहरुख खान से प्रश्न किया कि आप बताइए कि प्रभास की सालार मूवी आपको कैसी लगी, तब शाहरुख खान ने कहा कि प्रभास की मूवी बहुत अच्छी है लेकिन मेरी मूवी डंकी भी बहुत अच्छी है। मीडिया वालों ने प्रश्न किया, यदि आपकी मूवी अच्छी है तो आपकी मूवी ने कम पैसा क्यों कमाया? तब शाहरुख खान ने दुखी मन से कहा कि सालार ने मुझे धोखा दिया है, मैंने प्रभास से कहा था कि तुम अपनी मूवी सालार को मेरी मूवी डंकी के 2 हफ्ते बाद रिलीज करो, लेकिन प्रभास और उसके डायरेक्टर प्रशांत नील नहीं माने, जिससे कि मुझे और मेरे डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को बहुत ही दुख हुआ था। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हम अपनी मूवी में कम से कम 2 हफ्ते का अंतर रखेंगे, लेकिन सालार मूवी के हीरो और डायरेक्टर नहीं माने। उन्होंने अपनी मूवी को डंकी मूवी के एक दिन बाद ही रिलीज कर दिया। शाहरुख खान और उसके आगे बोले, ऐसा होने से पूरे बॉलीवुड को नुकसान है, क्योंकि इससे बॉलीवुड में एक मूवी का दौर कम हो गया और दूसरी मूवी को ज़्यादा हाइप मिल गई। अब आप खुद ही बताइए, यदि मेरी मूवी कम बिजनेस करेगी तो इसमें मुझे तो घाटा होगा ही, साथ में मेरे जो साथ काम कर रहे थे उन कलाकारों को भी घाटा होगा, मेरी मूवी का जिसने डायरेक्शन किया मतलब राजकुमार हिरानी उनको भी घाटा होगा, डंकी मूवी के प्रोड्यूसर हैं उनको भी घाटा होगा। तो मैंने पहले ही उनसे कहा था कि अपनी आप मूवी को सालार को उस दिन बाद रिलीज कीजिए, लेकिन वो नहीं माने। अब इस कारण शाहरुख खान ने कहा है कि मुझे प्रभास ने और प्रशांत नील ने धोखा दे दिया। जब इस के बारे में प्रभास और प्रशांत नील से पूछा गया कि आपने शाहरुख खान को धोखा क्यों दिया, तब प्रशांत नील और प्रभास ने कहा कि हम तो बहुत पहले ही अपनी मूवी को रिलीज करना चाहते थे, लेकिन इस मूवी में कुछ कमियां थी जिसे रिलीज करने में हमें कुछ टाइम लगा। हमने आपको पहले ही बताया था, इस मूवी को पहले हम अगस्त में रिलीज करना चाहते थे, लेकिन इस मूवी की कमियां दूर करने के लिए हमने कुछ समय और बढ़ाया
और हमने 22 दिसंबर को रिलीज करने का सोचा, और 22 दिसंबर को रिलीज करने के साथ ही हमने पूरे भारत में इसका प्रचार भी कराया कि हम 22 दिसंबर को इस मूवी को रिलीज करेंगे। और यदि शाहरुख खान चाहते तो वो अपनी मूवी डंकी को कुछ समय आगे या कुछ समय पीछे भी रिलीज कर सकते थे, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मेरी तरफ से है। बॉलीवुड में लाखों आदमी काम करते हैं जिससे कि लाखों आदमी की रोजी रोटी चलती है। जो मूवी हिट होती है उससे केवल हीरो को ही नहीं, उस मूवी से जुड़े तमाम किरदार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट, संगीतकार और भी कई सारे हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, साइड कलाकार आदि को फायदा होता है जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। एक मूवी के हिट होने से जो मूवी में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है उसको और मूवी बनाने के लिए दी है। जैसे रणबीर कपूर की अभी एनिमल मूवी आई थी जिसने करोड़ों रुपए बनाए, उस मूवी में कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं था, लेकिन टीसीरीज कंपनी के मालिक ने उस मूवी में पैसे लगाए और करोड़ों रुपए कमाए। अब आप ही बताइए, यदि ऐसी मूवी हिट होगी तो ऐसे और भी प्रोड्यूसर होंगे जो इस प्रकार की मूवी में पैसे लगाएंगे। अब आप सोचिए कि यदि जो मूवी अच्छी होगी तब दर्शक उसको देखेंगे। यदि शाहरुख खान का कहना है कि प्रभास ने उनको धोखा दे दिया है तो यह बात मेरी समझ से गलत है, क्योंकि जो मूवी अच्छी होगी उसके लिए दर्शक देखने जाएंगे, क्योंकि आज का दर्शक बहुत होशियार है, वह कहानी देखने जाता है ना कि पिक्चर में कौन हीरो है या हीरोइन। तो अब आप ही बताइए कि शाहरुख खान ने जो कहा क्या वो गलत है क्या सही है।